एवरीवन, तो अभी हम लोग देखेंगे इंग्लिश के कुछ लेसन प्लान्स। तो अगर आपने जो है साइंस के लेसन प्लान्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। इसके पहले मैंने साइंस की वीडियो ही डाला है। तो अभी हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश के लेसन प्लान्स। यानी अगर आप स्कूल में जा रहे हैं और अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है स्कूल में, तो ये लेसन प्लान आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मेरे ख्याल से जो सबसे बेस्ट जो है लेसन प्लान है इंग्लिश का, आज मैं आपको वो बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले बात, अगर आप लोग इंग्लिश के जो है, अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ाना है तो आपको तो पता ही होगा कि पोएम प्रोज प्लस ग्रामर में से आप कोई जो है आपको पढ़ाना होता है कोई एक। तो पोएम्स में भी मैंने बहुत से जो है लेसन प्लान्स डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप जो है मेरे चैनल पर जाके प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। और प्रोज पे भी मैंने डाल चुके हैं, पोएम्स पे मैंने डाल चुके हैं जो लेसन प्लान है। और ग्रामर के तो मैंने बहुत सारे जो है लेसन प्लान डाले हैं, जिसमें टेंस हो गया, नाउन हो गया, प्रनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल्स हो गया। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे जो है लेसन प्लान ऑलरेडी जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ जो है मेरे चैनल पर जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको जो है लिंक भी मिल जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसकी प्रोवाइड ज़रूर कर दूँगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप लोग जो है प्रोज, पोएम या तो ग्रामर, इन तीनों में से आपको कौन सा जो है लेसन प्लान लेके जाना चाहिए अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग जा रहे हैं तो आप ग्रामर का जो है आपको सबसे बेस्ट ग्रामर का होगा। क्योंकि जो पोएम है, प्रोज है, वहाँ पे हमें बहुत प्रैक्टिस करके जानी होती है और जो बहुत सारे जो चीज़ है हमें एक्सप्लोर करने होते हैं, लाइक वहाँ पे मीनिंग्स लिखो, बहुत कुछ चीज़ होती है। और जो ग्रामर होता है, अगर हमको आता है तो हम उसको अपनी स्टाइल में पढ़ा सकते हैं, अपने तरीके से पढ़ा सकते हैं, बिना किसी बुक के, बिना किसी टेंशन के पढ़ा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो है इंग्लिश में अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ आप ग्रामर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो अगर आप लोगों को जो है इंग्लिश का लेसन प्लान लेके जाना है, अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन देना है, या तो अगर आप बीएड कर रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा सा डेमोन्स्ट्रेशन देना है लोगों के सामने, टीचर्स के सामने, तो जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जो है ग्रामर पे बनाइए। तो ग्रामर पे भी आपको बहुत सारे जो लेसन प्लान्स हैं मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो मैं फ़िलहाल आपको एक लेसन प्लान दिखा रही हूँ जो प्रोज का है, ये वाला लेसन प्लान है। तो ये क्लास सेवेंथ के लिए है, स्टोरी बिहाइंड रोलर स्केट्स। ये भी इंग्लिश का है, इसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है मैंने बहुत सारे जो है ऑलरेडी बहुत सारे जो है लेसन प्लान मैंने डाल चुके हैं। तो जो रोलर बिहाइंड स्केट्स जो है वो तो प्रोज है, तो मैं अभी आपको अपना फेवरेट जो है ग्रामर में जो मुझे सबसे मतलब जो पसंद है, मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको भी ये यूज़ करना चाहिए, वो है ये वाला, ये है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, आप उसको बहुत आसानी के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, प्लस ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत सिंपल है। आर्टिकल्स ए एंड और द का यूज़ पढ़ा दीजिए आप लोग, उसको जो है ए और एन को कब यूज़ करना चाहिए, द को कब यूज़ करना चाहिए, बस आपको यही पढ़ाना है, बहुत सिंपल होता है। तो मेरे ख्याल से जो है मुझे सबसे बेस्ट लगता है आर्टिकल्स। और चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लेसन प्लान, अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो। अगर आप लोग इंग्लिश का लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है, आर्टिकल्स आपके लिए बेस्ट है, आप प्लीज़ इसे जो है यूज़ कीजिए। और अगर आप मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगी SST के लेसन प्लान कौन से बेस्ट हैं अकॉर्डिंग टू मी। तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।